हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कलाई का दर्द या रिस्ट पेन के बारे में। ऐसे तो इस तरह की समस्या के पीछे कई कारण होते हैं, जिसमें सबसे मुख्य कारण होता है जब हम लंबे समय तक अपने हाथ और कलाई का इस्तेमाल करके किसी कार्य को करते हैं, और लगातार हम अपने कलाई और हाथ का इस्तेमाल करने से हमारे कलाई और हाथ से जुड़ी मांसपेशियों में कमजोरी होने लगता है और धीरे धीरे उसमें टिगर पॉइंट बन जाता है। टिगर पॉइंट का मतलब होता है मांसपेशियों में गांठें बन जाना, और यदि एक बार हमारी मांसपेशियां कमजोर हो गई, उसमें टिगर पॉइंट बन गया, तब चाहे हम जितने भी प्रकार का मेडिसिन का प्रयोग कर ले, हमें ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है। इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि हम एक्सरसाइज के द्वारा अपने कमजोर मांसपेशियों को फिर से मजबूत बनाएं, तब जाकर हम इस तरह की समस्या से पूरी तरह मुक्त हो पाएंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं 5 बहुत ही आसान साइंटिफिक एक्सरसाइज, जिसको करने के कुछ दिन बाद ही इस तरह की समस्या पूरी तरह ठीक हो जाएगा। पहले एक्सरसाइज में हम कलाई से जुड़ी मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए मसाज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इस पोजीशन में आ जाएंगे। मसाज करते समय हम किसी क्रीम का प्रयोग करेंगे ताकि मसाज करते समय हमें आसानी हो। फिर अपने हाथ को इस तरह से रखेंगे और थोड़ा सा नीचे की तरफ दबाएंगे, और फिर धीरे धीरे इस तरह से मसाज करते हुए हाथ को ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे। इस तरह से हम एक्सरसाइज को 10 काउंट कंप्लीट करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद अपने हाथ को घुमा लेंगे और फिर से 10 काउंट मसाज हम कंप्लीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद अपने हाथ को रिलैक्स कर लेंगे। सेम एक्सरसाइज हम दूसरे हाथ में भी करेंगे, तब जाकर एक्सरसाइज एक बार कंप्लीट होगा। इस तरह से हम एक्सरसाइज को 4 से 5 बार करेंगे। दूसरे एक्सरसाइज में हम अपने कलाई के मोबिलिटी के लिए एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपने हाथ को अंदर की तरफ दबा के रखेंगे। इसके बाद अपने अंगूठे को अंदर की तरफ रखते हुए उंगलियों को इस तरह से मोड़ लेंगे। फिर अपने पूरे बॉडी को फिक्स करते हुए अपने कलाई को इस तरह से हम हिलाएंगे। इस तरह से हम एक्सरसाइज को 10 काउंट कंप्लीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद अपने हाथ को रिलैक्स कर लेंगे। सेम एक्सरसाइज हम दूसरे हाथ में भी करेंगे, तब जाकर एक्सरसाइज एक बार कंप्लीट होगा। इस तरह से हम एक्सरसाइज को 4 से 5 बार करेंगे। तीसरे एक्सरसाइज में हम अपने कलाई से जुड़े मसल्स को स्ट्रेंथ करने या मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपने हाथ को अंदर की तरफ दबा के रखेंगे और पूरे हाथ को फिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ अपने हथेली को ऊपर की तरफ रखेंगे। फिर पूरे हाथ को फिक्स करते हुए धीरे धीरे अपने कलाई को अंदर की तरफ घुमाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। फिर अंदर की तरफ घुमाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तब आपको महसूस होगा कि पूरे हाथ के मसल्स में अच्छे से स्ट्रेंथ हो रहा है। हम चाहें तो किसी वेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से एक्सरसाइज और भी अच्छे से होगा। इस एक्सरसाइज को हम 10 काउंट कंप्लीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद अपने हाथ को रिलैक्स कर लेंगे। सेम एक्सरसाइज हम दूसरे हाथ में भी करेंगे,
तब जाकर एक्सरसाइज एक बार कंप्लीट होगा। हम एक्सरसाइज करते समय 4 से 5 बार करेंगे। चौथे एक्सरसाइज में हम कलाई से जुड़े हाथ के बाहर के मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इस पोजिशन में आ जाएंगे और फिर धीरे धीरे अपने कलाई को इस तरह से मोड़ेंगे। हम चाहे तो अपने दूसरे हाथ से भी थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हैं और कलाई को अंदर की तरफ थोड़ा दबाएंगे। तब आपको महसूस होगा कि कलाई और हाथ के मसल्स में अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। इस तरह से हम एक्सरसाइज को 10 काउंट कंप्लीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद अपने हाथ को रिलैक्स कर लेंगे। सेम एक्सरसाइज हम दूसरे हाथ में भी करेंगे, तब जाकर एक्सरसाइज एक बार कंप्लीट होगा। इस तरह हम एक्सरसाइज करते समय 4 से 5 बार करेंगे। पांचवें एक्सरसाइज में हम कलाई से जुड़े हाथ के अंदर के मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इस पोजिशन में आ जाएंगे और फिर धीरे धीरे अपने कलाई को इस तरह से मोड़ेंगे। हम चाहे तो दूसरे हाथ का भी सपोर्ट लेकर कलाई को थोड़ा ज़्यादा मोड़ सकते हैं। तब आपको महसूस होगा कि कलाई और हाथ के मसल्स में अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। इस तरह से हम एक्सरसाइज को 10 काउंट होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद अपने हाथ को रिलैक्स कर लेंगे। सेम एक्सरसाइज हम दूसरे हाथ में भी करेंगे, तब जाकर एक्सरसाइज एक बार कंप्लीट होगा। एक्सरसाइज करते समय हम 4 से 5 बार करेंगे। ये रहा कलाई के दर्द को पूरी तरह ठीक करने के लिए 4 एक्सरसाइज। सारे एक्सरसाइज को करते समय हम 2 बातों का ध्यान देंगे। पहली बात, हम एक्सरसाइज को धीरे धीरे करेंगे ताकि हमारे मांसपेशियों में एक्सरसाइज अच्छे से हो सके। दूसरी बात, यदि हम एक्सरसाइज करते समय थोड़ा बहुत दर्द होता है तो ऐसा होना नॉर्मल है। यदि दर्द ज़्यादा है तो आप एक्सरसाइज को और भी आराम आराम से करें। यदि आपको और किसी प्रकार का जोड़ों का दर्द या दर्द से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके चीज़ों को डिटेल में बताएं। हम आपके दर्द के हिसाब से वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि आप घर बैठे अपनी चिकित्सा खुद कैसे करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।